त्रिजटा तुम राई रून उतार रही हो तो धूरा काहे लिए हो? धूरा नहीं लिए हूँ। काहे? नमक आला है तो नमक काहे लिए हो? राई रून है लंकापुर की नारी सब ही मिल लंकापुर की नारी सब मिले राई रून उतारे रावण पर तो नाना को उठारे तो नाना को उठारे डाल लिया हाथी पर। अच्छा अब बैठ जाओ तुम सब लोग। कैसे बैठ जाओ? वैसे तुम्हारा अधिकार वहां पर है, जाओ वहीं पर बैठो। ठीक है जा रही है, तभी अच्छा भी रहेगा। महारानी को दे दो, वहां ना रखो। महारानी के थू तुम तो देगा ले महारानी। हाँ वो लिए जाओ, वो जानकी मैया को दे देना है यहाँ पर पर्याप्त है। ये इधर दे दो, यही रहने दो, तुम्हारी आवश्यकता रही है उसको, यही रहने दो। नहीं तो उधर तो बैठूंगी। तो फिर मैं वही पराम का उद्दंडता कहीं किया कहीं बैठ जाओ, किसी के बैठ जाओ, जाओ जल्दी। किसी के बैठ जाऊं? किसके बैठ जाऊं? चुप जाओ, हर प्रधान के बैठ जाऊंगा। आदि शक्ति, मैं इसीलिए कह रहा था कि इसको ना दो। अब चुप रहना, बोलना नहीं। अंबे महारानी तुम पकड़ो जरा, हम इसको समझे। कहा बाहर? वहां से पकड़ करके मंगाऊंगा, ध्यान कर लेना, चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है महाराज, मैं बोलूंगी। भूदेवी महामाया सीते प्रणाम। ओह क्या देख रहा हूं, कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सती को सताने जली को जलाने क्यों आ गया? कब तुम्हें आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। क्या करता होगा वो तुम्हारा प्यारा राम? मेरी मौत का सामान ढूंढता होगा मेरा प्यारा राम। असंभव असंभव सीते असंभव असंभव। सीते मैं पुनः तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हारी इस दशा और इस अवस्था को जब मैं देखता हूं तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता है। सीते मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन रूपी नौका ये मझधार में पड़ी हुई है। भाई लकड़ी की नौका है और उसको यदि नदी के उस पार जाना है तो नौका में सहारा होना चाहिए पतवार का। अगर पतवार नहीं है तो नौका उस पार नहीं जा सकती। इसी प्रकार से रावण की जीवन रूपी नौका ये मझधार में पड़ी हुई है और मैं चाहता हूं कि क्योंकि उसके लिए चाहिए धर्म रूपी पतवार और रावण के पास धर्म है नहीं, रावण के पास है अधर्म। और जब पतवार धर्म रूपी नहीं है तो नौका पार होगी तो कैसे होगी, ये रावण जानता है। ये प्रभाव तेरी दृष्टि में है, यदि एक बार तूने कृपा की दृष्टि जिस भी व्यक्तित्व पर कर दी तो वो व्यक्ति अमर हो जाता है, उसकी नौका पार हो जाती है, वो व्यक्ति लोकपाल बन जाता है। और मैं भी यही चाहता हूं कि मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे ऐसी ते है यही आरजू मेरे दिल में, दीदार करा दे ऐसी ते कर कृपा दृष्टि
मेरे ऊपर किंचित मुस्करा दे, ऐसी दे जिस राह में सच्ची राहत हो, वो राह दिखा दे ऐसी दे। और यदि ऐसा तूने कर दिया तो मैं भी इसके बदले कुछ करूंगा। और मैं क्या करूंगा तो सुन शुमुख सयानी, ये महारानी मंदोदरी को देखो, ये आचार्यों के द्वारा प्रातः स्मरणीय है, प्रातः वंदनीय है, तो ये मंदोदरी के सहित ये जितने तेरे पास बैठी हुई है आदि सब रानी करूंगा क्या तो अनुचरी करूं पन मोरा, मैं इन सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना होगा तुझे एक काम, और वो कार्य है भौजी तेरा क्या होगा? क्यों वहां पर कल्याण होगा ये रावण जानता है, चुप रहना। करना होगा सीते तुम्हें बस केवल एक कार, और वो कार्य है एक बार बिलोक ममोरा, है सीते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर। एक बार, मैं ये नहीं कहता बार बार, एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर, देख ले मेरी ओर। अरे दुष्ट सुमेरे अवधपति परम स्नेही, जा श्री रघुनाथ जी का भजन कर, भजन नहीं तो वो तो गजल गई, जिसमें तेरा कल्याण है। तू कह रहा है कृपा की दृष्टि करो, अरे दुष्ट कांचा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, तूने उस भरे स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता, पर तू योद्धा नहीं चोटता है, हर कर लाया है अबला को। ऐसा दिखा दे जैसे मोरे गांव का कंजल। यदि तू कृपा की दृष्टि चाहता था तो सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ देते। क्यों कंजड़ों के इतने बड़े मूछे थोड़ी हैं? बता दी अब महाराज बहुत मारेंगे। हाँ देखो वो केवल नारियों पर ही हाथ उठा सकता है, इतना वीर मानता है अपने आप को। सो तो है, इसमें तो कोई है कि नहीं? अगर इतने बड़े वीर थे तो मेरे स्वामी के सामने आते और मुझे ले जाते, तब तो मैं तुम्हें वीर मानती। सीता मैं तेरे सामने विनती कर रहा हूं, और तू कह रही है कि यदि कृपा दृष्टि की इच्छा थी तो शिव धनुआ तोड़ा होता। जरा विचार कीजिए कि अगर मैंने उस धनुष को तोड़ दिया होता तो फिर बाद में कृपा दृष्टि मैं से आशा करता कि ये मुझसे करती। भाई धनुष तोड़ देता मैं तो ये मेरी कौन बनती? और मैं उसको बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि जिस समय सीता तू तो सब कुछ जानती है, मैंने तेरा हरण किया तो मैंने सर्वप्रथम मनमहु चरण बंद सुख माना, मैंने तेरे चरणों की वंदना की है। यहां पर भी जब आया मैंने तुझे प्रणाम किया, जानती हो कौन से शब्दों से उद्बोधन किया? आदि शक्ति अंबे अंबालिके भूदेवी महामाया, ये क्या साधारण व्यक्तित्वों में इन शब्दों का प्रयोग होता है? तू अपने आप को समझ क्या रही है? तू कह रही है कि चोटा है, तू मुझे चुरा करके लाया है। ये चोरी भी एक कला होती है। सब लोग बैठे रहो और तुम्हारे बीच से किसी को गायब कर दिया जाए तो ये क्या है? ये कला है, है? इसी को तो नजरबंद भी कहते हैं। आपने देखा होगा नजरबंद का खेल, समझ नहीं पाते अब काम नजरबंद वाले लगा देते हैं। तो ये हमारे अंदर एक कला है। सीते मैं तुमसे बार बार यही चाहता हूं कि कृपा दृष्टि कर, लेकिन देख रहा हूं कि हाथ में तिनका है, लेकिन ये रावण का संकल्प है, रावण का संकल्प है। अगर
कुछ शक्ति बल मेरी साधना में, तो मैं तुझे अपना बनाकर ही रहूंगा। है अगर कुछ बल मेरी साधना में, तो मैं तुझे अपना बनाकर ही रहूंगा। तू यदि कोई ही नूर बनेगी तो मैं क्या बनूंगा, तो मैं जौहरी बन कर ही रहूंगा। और है अगर कुछ शक्ति बल मेरी साधना में, तो मैं तुझे अपना बनाकर ही रहूंगा। तू यदि